हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी में। लास्ट के लेक्चर में हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसका थेरोटिकल पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके आगे वाला ही सेम वर्जन है, उसके आगे थोड़ा हमें जाना है। हमें आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए आपको इनवर्स फाइंड करता है, मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, देन इनवर्स फाइंड करना है, देन आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक में से दो क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आएंगे। एक आएगा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में, और एक आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में 6 मार्क्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग क्यों फाइंड करते हैं? आगे हमें क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इनवर्स चाहिए मैट्रिक्स का। आपको इनवर्स चाहिए, इनवर्स मतलब उल्टा वैल्यू चाहिए, रिवर्स वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखिए, एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आपका क्या है, आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होने चाहिए, अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होनी चाहिए। तो आपको सिलेबस में सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम और 3 रो और 3 कॉलम इसके न्यूमेरिकल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, सेम रो और सेम कॉलम होने चाहिए, मतलब 2 रो 2 कॉलम, नहीं तो 3 रो 3 कॉलम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। जो आपका मैट्रिक्स है, आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट में लिखना होता है, उसके बाद उसका को फैक्टर आपको फाइंड करना है। को फैक्टर मतलब क्या, माइनर एलिमेंट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, माइनर एलिमेंट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म बाय द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए, इट इज रिटर्न बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज़ रिटर्न बाय द एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए, अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो उसे हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ए डी जे ब्रैकेट में ए। अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो उसे हम लोग लिखेंगे ए डी जे बी, एडजॉइंट ऑफ बी। अगर मैट्रिक्स का नाम सी है तो उसे लिखेंगे ए डी जे सी। तो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो को फैक्टर मतलब क्या है, को फैक्टर क्या है, माइनर एलिमेंट क्या है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा को फैक्टर आपको कैसे फाइंड करने हैं, सेकेंड ऑर्डर के कैसे फाइंड करने हैं और थर्ड ऑर्डर के कैसे फाइंड करने हैं। तो देखिए, स्टेप्स आपको क्या भी फॉलो करना है यहाँ पे, फाइंड द को फैक्टर ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर को फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, हम लोग डायरेक्ट में आपको न्यूमेरिकल में बताता हूँ हाउ टू फाइंड आउट द को फैक्टर्स इन सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। आपके जो को फैक्टर के आंसर आएंगे उसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मतलब ब्रैकेट में लिखना है। द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर। मतलब क्या है, आपका जो आंसर आएगा को फैक्टर का उसे आपको ट्रांसपोज करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एडजॉइंट हो जाएगा। ट्रांसपोज मतलब क्या, आपको रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, आपको रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है। इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो आपका को फैक्टर आएगा उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम लोग ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट मिलेगा। तो देखिए, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला वाला स्टेप्स क्या है, फाइंड द को फैक्टर, देन राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर, एंड थर्ड स्टेप आपको उसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर, आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर नाम उसका ए है तो ए मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर नाम बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी, अगर नाम सी है तो एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन पूछा था विंटर 11 और विंटर 13 के एग्जाम में, इफ़ मैट्रिक्स ए 6 5 2 1 फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइन एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो आपने 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1 क्या था, फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, आपको को फैक्टर फाइंड करना है।
तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा को फैक्टर कैसे फाइंड करना है। देन आपको फाइंड करना है जो को फैक्टर आएंगे उसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, स्टेप नंबर टू। और देन आपका थर्ड स्टेप है, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसे आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एज पर डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जितने रो है उतने ही कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, रो वन रो टू, कॉलम वन कॉलम टू, दो रो और दो कॉलम है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज द फॉर्म ट्रांसपोज मैट्रिक्स टू बी फॉर्म बाय द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फॉर्म बाय द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसके डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको नंबर का अरेंजमेंट तो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 5 2 1, 6 5 2 1। देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फॉर्म बाय द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो क्या है आपका नंबर का अरेंजमेंट, आपको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है। नंबर का अरेंजमेंट आपको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है, तो क्या हुआ आपका डिटर्मिनेंट 6 5 2 1। तो यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं साइन क्या है। ये पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, ए वाला माइनस, ए वाला प्लस। ये साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस। ये साइन इंपॉर्टेंट है, एक इसके लिए सेकंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के साइन अलग है, हम लोगों बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग उसके को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, इसके को फैक्टर फाइंड करते हैं। देखिए मैट्रिक्स वन के लेक्चर में, मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हमने एक कंसेप्ट देखा था ए आई जे। आई इंडिकेट द रो नंबर और जे इंडिकेट द कॉलम नंबर। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट का हमें यूज करना है। तो देखिए, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या है, ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। तो जो सिक्स एलिमेंट है, जो एलिमेंट सिक्स है, उसका लोकेशन हम लोग इंडिकेट करते कैसे होगा। देखिए उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, देखिए रो वन कॉलम वन। उसका लोकेशन क्या है, रो वन कॉलम वन। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, ए वन वन, मतलब रो वन कॉलम वन, एलिमेंट सिक्स का लोकेशन। देन एलिमेंट फाइव का लोकेशन क्या आएगा, देखिए एलिमेंट फाइव का लोकेशन रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू। आई इंडिकेट द रो नंबर, जे इंडिकेट द कॉलम नंबर। आई इंडिकेट द रो नंबर, जे इंडिकेट द कॉलम नंबर, रो वन कॉलम टू, फाइव का लोकेशन। देन टू का लोकेशन, देखिए इसका लोकेशन, देखिए रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम वन। देन वन का लोकेशन, उसका लोकेशन क्या है, रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम टू। देखिए रो और कॉलम क्या है, अगर सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है, और सबसे पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर और मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर वो देख लो, तो आपको पता चलेगा रो और कॉलम क्या है। देखिए वन का लोकेशन क्या है, रो टू कॉलम टू। यहाँ पे हम लोग साइन लिख लेते हैं उनका, पहला ए प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए हमने सबका लोकेशन लिख लिया, ए एलिमेंट सिक्स का लोकेशन है, एलिमेंट फाइव का लोकेशन है, एलिमेंट टू का लोकेशन है, एलिमेंट वन का लोकेशन है, मतलब लोकेशन कहाँ पे रहेगा। देन हमें उसके को फैक्टर फाइंड करना है। देखिए एलिमेंट सिक्स का को फैक्टर फाइंड करेंगे, जहाँ पे सिक्स है उसका रो उसका कॉलम हमें कैंसिल करना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, तो बचेगा क्या, वन। तो सिक्स का को फैक्टर क्या हुआ, वन। देखिए रो वन कॉलम वन गेट कैंसिल, जहाँ पे सिक्स है
उसका रो उसका कॉलम के आंसर दिया तो बचेगा क्या वन, देन वन टू मतलब इसके लिए फाइव के लिए, फाइव का को फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए जहाँ पे फाइव है रो वन कॉलम टू हम लोग कैंसिल करेंगे, रो वन कॉलम टू हम लोग कैंसिल करेंगे तो बचेंगे क्या टू, माइनस साइन था इसीलिए माइनस आ गया आप। देन एलिमेंट टू का हम लोग को फैक्टर फाइंड करेंगे, देखिए इसका लोकेशन क्या है रो टू कॉलम वन, जहाँ पे टू है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे मतलब रो टू कॉलम वन कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या फाइव, इसका साइन माइनस था इसीलिए माइनस फाइव। देन लास्ट वाला वन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, देखिए जहाँ पे वन है मतलब रो टू कॉलम टू उसे कैंसिल किया तो बचेगा क्या सिक्स। देखिए आपके मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर क्या है, उसे नाम देता हूँ मैं बी, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से नाम दिया है मैंने बी, देखिए तो क्या है सेम वन माइनस टू माइनस फाइव सिक्स, सिक्स का वन फाइव का माइनस टू, टू का माइनस फाइव और वन का सिक्स, यहाँ पे लिखता हूँ वन माइनस टू माइनस फाइव और सिक्स। देन आपका लास्ट वन स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आई मतलब क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देखिए एडजॉइंट मतलब क्या जो आपका न्यू वाले जो कोफैक्टर आए उसे हमने नाम दिया है बी, बी इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है उसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो बी का हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखेंगे, वन माइनस टू यहाँ पे रो वन को कन्वर्ट किया कॉलम वन में, रो टू को कन्वर्ट करेंगे कॉलम टू में, माइनस फाइव सिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आपका आंसर आया वन माइनस फाइव माइनस टू सिक्स, वन माइनस फाइव माइनस टू सिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इफ़ मैट्रिक्स ए थ्री फोर माइनस वन माइनस वन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए सेम न्यूमेरिकल है जैसे पहला वाला सॉल्व किया था वैसे सेकंड वाला है, तो यहाँ पे नंबर्स चेंज है, यहाँ पे नंबर अलग है। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है थ्री फोर माइनस वन माइनस वन, देन आपको जो नंबर का अरेंजमेंट है वो डिटर्मिनेंट में लिखना है मतलब वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है, डिटर्मिनेंट ए थ्री फोर माइनस वन माइनस, देखिए नंबर का अरेंजमेंट दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा। अभी हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, तो देखिए लोकेशन के हिसाब से जो एलिमेंट है उनके लोकेशन हमें लिखने हैं, उनके साइन आपको मालूम होना चाहिए, पहला वाला प्लस देन माइनस देन माइनस देन प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस ये साइन आपको मालूम होना चाहिए, तो इनका एलिमेंट का लोकेशन हम लोग लिख लेते हैं, इसका नाम ए इसीलिए मैं ए के हिसाब से लिख रहा हूँ, ए इसका लोकेशन क्या है रो वन कॉलम वन मतलब ए वन वन, देन फोर का लोकेशन रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू इसीलिए वन टू, इसका लोकेशन माइनस वन का लोकेशन रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम वन, देन लास्ट इस माइनस वन का लोकेशन रो टू कॉलम टू, यहाँ पे क्या आएगा टू टू, रो सबसे पहले लिखना है देन कॉलम का लिखना है, देखिए रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम वन, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, देन आपको साइन मालूम होना चाहिए, साइन इम्पॉर्टेंट है, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस देन माइनस देन प्लस। अभी कोफैक्टर फाइंड करेंगे आपका थ्री का कोफैक्टर, जहाँ पे थ्री है
रो वन कॉलम वन कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, माइनस वन, देन फोर, जहाँ पे फोर है उसे कैंसिल करेंगे मतलब रो वन कॉलम टू, तो बचेगा क्या, माइनस वन। देखिए जहाँ पे फोर है मतलब वन टू, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू को कैंसिल किया तो बचेगा क्या, माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन था आपका, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वन, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस वन। देन नेक्स्ट यहाँ पे माइनस वन का कोफैक्टर फाइंड करना है, रो टू कॉलम वन को कैंसिल किया तो बचेगा क्या, फोर, तो आया माइनस फोर, ऑलरेडी माइनस साइन था माइनस फोर। देन इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, रो टू कॉलम टू को कैंसिल किया तो बचेगा क्या, थ्री, आपका ये आंसर आया। तो हमें क्या फाइंड करना है, b इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है, जो कोफैक्टर आप क्या है उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, माइनस वन वन, माइनस फोर थ्री, माइनस वन वन, माइनस फोर थ्री। देन आपको फाइंड करना एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, माइनस वन वन, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखेंगे, माइनस वन वन, जो हॉरिजॉन्टल था उसे वर्टिकल लिखा, जो हॉरिजॉन्टल है रो टू को कन्वर्ट करेंगे कॉलम टू में, माइनस फोर थ्री, माइनस फोर थ्री। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का आपका आंसर आया माइनस वन, माइनस फोर, वन थ्री, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का थर्ड वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, ऑलरेडी दो प्रॉब्लम सफिशियंट है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, देन आप फुल मार्क्स एग्जाम में ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है, फोर माइनस सिक्स वन सेवन, मैट्रिक्स ए फोर माइनस सिक्स वन सेवन, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूछा था विंटर 14 के एग्ज़ाम में, विंटर 14 के एग्ज़ाम में। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, मैट्रिक्स है फोर माइनस सिक्स वन सेवन, देन वही नंबर का अरेंजमेंट आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है, नंबर का अरेंजमेंट तो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है, तो क्या आएगा, फोर माइनस सिक्स वन सेवन, देन आपको साइन मालूम होना चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, देन उनके हमें को फैक्टर फाइंड करना है। तो इसका लोकेशन है फोर का लोकेशन क्या है, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम वन, माइनस सिक्स का लोकेशन क्या है, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम टू, देन वन का लोकेशन क्या है, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम वन, सेवन का लोकेशन क्या है, रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम टू। तो ये वाला साइन आपको यूज़ करना है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस प्लस, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फोर का कोफैक्टर फाइंड करना है, फोर का कोफैक्टर क्या आएगा, रो वन कॉलम वन गेट कैंसल तो बचेगा क्या, सेवन, देन माइनस सिक्स का कोफैक्टर आपको फाइंड करना है, रो वन कॉलम टू गेट कैंसल, रो वन कॉलम टू गेट कैंसल तो बचेगा क्या, वन, ऑलरेडी माइनस साइन है इसीलिए माइनस वन। देन वन का कोफैक्टर आपको फाइंड करना है, तो रो टू कॉलम वन गेट कैंसल तो बचेगा क्या, माइनस सिक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस सिक्स। देन नेक्स्ट सेवन का कोफैक्टर आपको फाइंड करना है, रो टू कॉलम टू गेट कैंसल बचेगा क्या, फोर। तो देखिए सेकंड स्टेप उसके हमें कोफैक्टर फाइंड करने के बाद तो मैट्रिक्स में लिखना है, बी इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। बी मैंने ऐसे ही नाम दिया है, आप बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, डी दे सकते हो,
आपको जो नाम अच्छा लगता है आप दे सकते हो, बी इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 7 -1 6 and 4, देन आपका लास्ट क्या करना है, एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। सिंपल, जो बी वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, रो वन को कन्वर्ट करना है कॉलम वन में 7 -1, रो टू को कन्वर्ट करना है कॉलम टू में 6 4। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए 7 6 -1 4, 7 6 -1 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 3x3 मैट्रिसेस, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके चांसेस ज़्यादा एग्जाम में आने के 3x3 मैट्रिक्स के, जहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे, तो वो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।